हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको काजू वाली धनिया की चटनी बताने जा रही हूँ। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। ये देखिए, 10-15 मैंने काजू रख दिए हैं। ये स्वाद अनुसार नमक है, ये भुना हुआ जीरा का पाउडर, ये थोड़ा सा बूंदी है 2 चम्मच, और ये 5-6 हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, और ये मैंने चाट मसाला रख लिया है, और ये छोटा अदरक का टुकड़ा। अब मैं जार में डाल रही हूँ ये सब। ये बहुत अच्छा लगता है, आप जब चाहे ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। इसे सप्ताह में 2-3 बार जब चाहे बना के खाओ। मैंने इसमें 4 चम्मच दही डाला है। फिर इसको अभी ग्राइंड करके दिखाती हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 चम्मच दही और मैं डालूँगी। आइए देखिए, ज़रूरत पड़े तो इसमें, अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें पानी की जगह 1-2 आइस क्यूब डाल दीजिएगा। अभी मैं 1 ही डाल रही हूँ, इससे अच्छे से पीस जाता है बाकी मसाले। देखती हूँ ये काजू के टुकड़े पीस गए कि नहीं, कि थोड़ी देर और चलाना पड़ेगा। एक बार और चला देती हूँ। आवाज सुन के कोई भी छूटती हूँ, ज्यादा हल्का दिखाना है, क्या चला रही है बोलने पर। ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी पीस का तैयार हो गई है। ये चटनी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। चाय पकौड़े जब बनाते हैं तो चटनी जरूर चाहिए होता है, तो ये चटनी बहुत अच्छा लगता है। पनीर टिक्का वगैरह के साथ खाते हैं लोग, पकौड़े के साथ खाते हैं। आप चाहे तो धनिया है इसमें डाला हुआ, पुदीना भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला। आप चाहे तो, आपको पसंद है पुदीने का टेस्ट तो इसमें डाल सकते हैं। ये चटनी बहुत पसंद आएगा आपके परिवार को। अगर आपको पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा।